इंट्रोड्यूसिंग प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर। इसकी बॉडी पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल की बनी है जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंट है, लाइट वेट है और हेविली ड्यूरेबल है। इसके फिल्टर को बाहर निकालने के लिए हमें इसके कैप को इस तरह से खोलना होगा। इसमें यूज होने वाली फिल्टर एक डबल लेयर 150 माइक्रोन्स स्टेनलेस स्टील कार्ट्रिज है। ये पूरी तरह से फूड ग्रेड हाइजीनिक, नॉन टॉक्सिक और यूवी स्टेबलाइज्ड मटेरियल से बना है। ये लीकेज प्रूफ है और इसका मेंटेनेंस बेहद आसान है। प्लास्टो का ये ओवरहेड टैंक फिल्टर चार साइजेस में अवेलेबल है, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm। आइए अब हम देखते हैं कि टैंक इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। अगर हमें 1 इंच की प्लम्बिंग लाइन डालनी हो तो उसके लिए हमें लगेगी 1 इंच की UPVC प्लास्टो फिटिंग्स, जिसमें है 1 इंच के प्लास्टो UPVC टैंक निप्पल के 2 पीस, 1 इंच के प्लास्टो UPVC यूनियन के 2 पीस, 1 इंच के प्लास्टो UPVC टी के 2 पीस और 1 इंच की प्लास्टो UPVC प्लम्बिंग पाइप। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टैंक के इनलेट का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इस टैंक के इनलेट का इंस्टॉलेशन हम ऊपर इस जगह करेंगे। इस जगह हमें होल करना होगा और होल करने के लिए हमें लगेगा 1 इंच का GI निप्पल, जिसे हम इस जगह पे गरम करेंगे और उससे इस तरह से टैंक में होल करेंगे। होल हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब होल हो जाने के बाद में हमें प्लास्टो के 1 इंची UPVC टैंक निप्पल को इनलेट के होल में इस तरह से अटैच करना होगा। और उसे टाइटली फिक्स करना होगा और इस तरह आपके इस टैंक के इनलेट का इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि टैंक की आउटलेट कैसे इंस्टॉल की जाती है, जिसके लिए हमें यहाँ नीचे इस जगह होल करना होगा और होल करने के लिए हमें इस GI निप्पल को अच्छी तरह से गर्म करना है और टैंक के निचले हिस्से में यहाँ होल करना है। होल होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें प्लास्टो UPVC टैंक निप्पल लेकर इसे आउटलेट में इस तरह फिक्स करना होगा और फिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हमें इसके आउटलेट लाइन में प्लास्टो के 1 इंची UPVC यूनियन को फिक्स करना होगा, जो कि हम प्लास्टो के 1 इंच के UPVC प्लम्बिंग पाइप के कट पीस के साथ करेंगे, जिसे हम इस तरह से लगाएंगे। फिर हमें इस यूनियन से इस तरह से अटैच करना है ताकि टैंक की साफ सफाई करते वक्त हम उसे आसानी से बाहर निकाल पाए। अब हमें इस टैंक के एयर वेंट को इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए हमें लगेगा 1 इंच का प्लास्टो UPVC टी और 1 इंच की प्लास्टो UPVC प्लम्बिंग पाइप। सबसे पहले हमें इसे पाइप से अटैच करना होगा, फिर उसके बाद हमें इस प्लास्टो UPVC टी को इस तरह से फिक्स करना है। उसके बाद हमें इस प्लास्टो UPVC प्लम्बिंग पाइप को इस टी के सहारे इस तरह से फिक्स करना है। फिक्स हो जाने के बाद हमें दूसरे टी को इस पाइप के ऊपर इस तरह से फिक्स कर देना है और इस तरह से आपका एयर वेंट इंस्टॉल हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि इस प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए, जिसके लिए हमें लगेगा प्लास्टो UPVC बॉल वॉल्व, प्लास्टो UPVC यूनियन के 2 पीस, प्लास्टो UPVC FTA के 2 पीस, प्लास्टो UPVC एल्बो के 2 पीस और प्लास्टो UPVC प्लम्बिंग पाइप। अब सबसे पहले हमें प्लास्टो UPVC बॉल वॉल्व को इस प्लास्टो UPVC प्लम्बिंग पाइप से जोड़ना है, जो कि टी के साथ इस तरह से फिक्स होगा। फिर हमें इस बॉल वॉल्व को इस पाइप के साथ इस तरह से अटैच करना है। अब हमें इस प्लास्टो UPVC यूनियन को प्लास्टो UPVC प्लम्बिंग पाइप से इस तरह से अटैच कर देना है। अब हमें इस प्लास्टो UPVC FTA को इस प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर से अटैच करना होगा कुछ इस तरह से। फिर दूसरे FTA को भी अटैच करना होगा इस तरह से, फिल्टर के इनलेट और आउटलेट दोनों पर।
FTA लगाने होंगे। अब हमें इस प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर को इस यूनियन से इस तरह से अटैच करना होगा। जब आप इस दोनों UPVC FTA को इस ओवरहेड टैंक फिल्टर से जोड़ें, तो इस टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल जरूर करें। फिर हमें इस प्लास्टो UPVC यूनियन को इस प्लास्टो UPVC FTA के साथ अटैच करना है, कुछ इस तरह से। अब हमें इस UPVC यूनियन को इस UPVC एल्बो के साथ अटैच करना है, कुछ इस तरह से। फिर हमें इसे रेगुलर पाइपलाइन से जोड़ देना है और इस तरह प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर का इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको इस फिल्टर को साफ करना है तो यहाँ दिए गए इस टैप को इस तरह से खोलना होगा, जिससे आपके फिल्टर में जमी सारी गंदगी बाहर फ्लश हो जाएगी। और अगर आपको इस फिल्टर के स्टेनलेस स्टील कार्ट्रिज को साफ करना है तो आपको इस तरह से इस फिल्टर के कैप को खोलकर कार्ट्रिज बाहर निकालनी होगी और साफ करनी होगी। और आपको ये सारी फिटिंग प्लास्टो के UPVC सॉल्वेंट सीमेंट से करनी है, ताकि पाइप और फिटिंग को मजबूत जोड़ मिल सके। प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर को आप दो अलग अलग तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लास्टो ओवरहेड टैंक फिल्टर प्लास्टो है तो गारंटी है।